हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत ही अच्छे हो। फिर से स्वागत है नया वीडियो में। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कैसे आप इंडिगो एयरलाइंस पर वेब चेकिंग कर सकते हो। अगर आप फ्लाई करने जा रहे हो किसी भी एयरलाइंस में, इंडिगो हो गया, एयर इंडिया हो गया, एयर एशिया हो गया, या किसी भी, चाहे डोमेस्टिक हो या इंटरनेशनल हो, आपको वेब चेकिंग करना होगा मैंडेटरी। अगर वेब चेकिंग आप ऑनलाइन नहीं करोगे तो फिर आपको एयरपोर्ट जाके करने पड़ेगा, जो कि काफ़ी टाइम टेकिंग प्रोसेस है और काफ़ी लंबा टाइम लग जाएगा। हो सकता है कि आपको लंबे लाइन में खड़ा होने पड़े, क्योंकि जब ऑनलाइन फैसिलिटीज अवेलेबल है और कोई पैसे नहीं लगता, ओनली 2-3 मिनट्स लगता है आपको जाके मोबाइल से या अपना कंप्यूटर के थ्रू ऑनलाइन वेब चेकिंग कर सकते, तो क्यों जाके एयरपोर्ट में जाके करना। तो आई विल रिकमेंड टू यू ऑल कि अगर आप फ्लाई करने जा रहे हो या फ्लाइट में आप जा रहे हो, चाहे डोमेस्टिक या इंटरनेशनली, आप वेब चेकिंग करके जाओ। आज मैं ऐसे ही एक इंडिगो का वेब चेकिंग करके दिखाऊंगा, लाइव करके दिखाऊंगा, सो दैट कि आप भी उसी हिसाब से करके इजीली आप हसल फ्री ट्रैवल कर सकते हो। ओके, चलिए वीडियोस को स्टार्ट करता हूँ। लेकिन उससे पहले बता दूं, अगर फर्स्ट टाइम मेरे चैनल देख रहे हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना। मैं ऐसे ही जनरल नॉलेज में, इंफॉर्मेटिव नॉलेज देता हूँ, शायद आपके कभी काम में आ जाएंगे। ओके, चलिए वीडियोस को स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले स्क्रीन रिकॉर्डिंग मैंने ऑन कर लिया। ओके, अब देख सकते हो मेरे पास जो फ्लाइट टिकट है, दिस इज मुंबई टू प्रयागराज, जो कि इलाहाबाद बोला जाता है, 4th of June को, जो कि कल की डेट में है, और टुडे इज 3rd of June। आज मैं वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, एक दिन बाद है। ये डोमेस्टिक फ्लाइट है, जो इसका जो नाम है पैसेंजर्स का, मोहम्मद नुसरत शेख, तो इनको जाना है बेसिकली। तो इनके लिए मैं इंडिगो में वेब चेकिंग करूंगा। मैं आपको बता दूं वेब चेकिंग के लिए इसका टाइमिंग क्या होता है। अगर आप डोमेस्टिक करने जा रहे हो, 48 आवर्स पहले इसका वेब चेकिंग ओपन हो जाता है, और अगर आप इंटरनेशनल ट्रैवल करने जा रहे हो तो 24 आवर्स पहले इसका वेब चेकिंग विंडो ओपन हो जाता है। तो आप अपने हिसाब से इसका चेकिंग कर सकते हो एज पर योर सुइटेबल टाइम। ये भी बताऊंगा कैसे आपको सीट सेलेक्ट करना है, नहीं करना है, सब कुछ बताऊंगा। ओके, आपको वेब चेकिंग करने के लिए दो चीज जरूरत है। वन इज मैंडेटरी एयरलाइंस पीएनएन नंबर, जैसे ये वाला है पीएनएन नंबर, या टिकट रेफरेंस नंबर होता किसी टिकट में, वो भी आप देख सकते हो। जैसे मेरे पास ऑलरेडी पीएनएन नंबर है, और चाहे यहाँ से ले लो चाहे यहाँ से ले लो, एक ही बात है। उसके बाद कस्टमर के लास्ट नेम, या जब टिकट बुक करने का टाइम जो ईमेल आईडी आपने दिया था वो चाहिए होगा। ओके, तो देखते हैं कि मेरे पास तो दोनों ही हैं, बट मैं जो लास्ट नेम और पीएनएन नंबर, इसी से मैं अपना डेटा रिट्रीव कर लूँगा एयर इंडिगो साइट से। कैसे जाना है इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप यहाँ पे आ जाओगे और यहाँ पे लिखोगे इंडिगो वेब चेकिंग, ठीक है। ये जो लिंक आ रहा है पहला वाला, इसमें आप क्लिक करोगे आपको दिखा जाएगा। यहाँ पे सिंपली लिखा हुआ कि 48 आवर्स एंड 60 मिनट, मतलब 48 आवर्स पहले आपके डोमेस्टिक शुरू हो जाता और 24 घंटा पहले आपको शुरू हो जाता है इंटरनेशनल फ्लाइट। ओके, अगर आप एयरपोर्ट चेकिंग करोगे तो 60 मिनट पहले ये विंडो ओपन हो जाता है, वहाँ पे भी जाके कर सकते हो 60 मिनट एंड 75 मिनट्स डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल दोनों के लिए, राइट। तो यहाँ पे आप दो नंबर दे सकते हो, या तो पीएनएन नंबर होना चाहिए आपके पास, या तो बुकिंग रेफरेंस नंबर, और ये कुछ नहीं होता है, आप इसको ऐसे ही रहने दो, और ईमेल या तो लास्ट नेम से आप चेक इन कर सकते हो। तो मेरे पास पहला है पीएनएन नंबर, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ। ओके, उसके बाद मेरे पास लास्ट नेम भी अवेलेबल है टिकट से, आपके पास भी जो भी टिकट में अवेलेबल है वही यहाँ पे डालना होगा। उसके बाद आप इसको चेक इन कर सकते हो। मैं करूँगा चेक इन, ठीक है। जैसे मैं चेक इन करूँगा, यहाँ पे आ रहा है क्विक चेकिंग और सिलेक्ट पेड सीट्स। होता क्या, वैसे पहले क्या होता है कि आपको फ्री में सीट्स मिल जाता है, लेकिन आज की डेट में ऑलमोस्ट हर एयरलाइन सीट भी बेचने लग गया है, उससे भी उनको कमी होने लग गया, तो इसलिए आजकल फ्री सीट्स मिलता नहीं। अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँ मैं सीट्स सिलेक्ट सीट्स में, तो आपको पता चल जाएगा कौन सा सीट में क्या प्राइस है। अब जितने भी आ रहे हैं ना असाइंड, मतलब अगर कुछ आपको ऑटोमेटिकली दे रखा होगा, तो फ्री मतलब कुछ अगर फ्री में है कि आप देखोगे तो कोई फ्री सीट्स अवेलेबल नहीं है, बाकियों में अलग अलग प्राइस है। जैसे ही हमें कर्सर रखूँगा 350। ओके, विंडो सीट्स में देखोगे तो ये भी 350, और ये सब और भी महंगा है, 1200 रुपये का फ्री सीट्स है, नहीं सॉरी 1200 रुपये का आपको पेड करने पे। अगर मैं इसमें क्लिक करूँगा तो मुझे पता चल जाएगा इस सीट्स का जो कॉस्ट है 1200 रुपये का। अगर आपको सीट्स चाहिए तो 1200 रुपये पे करने पड़ेगा, अलग अलग सीट का अलग अलग कॉस्ट है। बट मुझे सीट्स नहीं चाहिए अभी, फ्री में चाहिए मुझे। फ्री में कैसे चाहिए, उसके लिए आपको क्या करने पड़ेगा, सबसे पहले आपको करने पड़ेगा बैक। जैसे आप बैक करोगे, यहाँ पर आ रहा है क्विक चेकिंग। ओके, क्विक चेकिंग जैसे करोगे, मैं यहाँ पर कंटिन्यू करता हूँ मैं। ओके, आप ये सारे डिटेल्स एक बार आपको फिल करना होगा, इनका सारे डिटेल्स मेरे पास है, मैं फटाफट फिल कर देता हूँ मैं। मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी, आप जिस सिटी में जा रहे हो, जिस डेस्टिनेशन में जा रहे हो, वहाँ का आपको एड्रेस डालना होगा और वहाँ का पिन कोड डालना होगा, राइट। ये मैंने डाल दिया। उसके बाद आपको यहाँ पर टिक करने पड़ेगा कि आप कोविड पॉजिटिव थे कि नहीं। अगर पॉजिटिव थे तो नीचे वाला आपको करने पड़ेगा, अगर नहीं है तो ये वाला क्लिक करने पड़ेगा। इसके बाद आपके सारे टर्म्स एंड कंडीशन पढ़ के यहाँ पे क्लिक करने पड़ेगा, ठीक है। दिस इज नॉर्मल टर्म्स एंड कंडीशन, कोई चिंता वाली बात है नहीं। और दिस आर द डेंजरस गुड्स एंड रिस्ट्रिक्टेड आर्टिकल्स, जो कि आप कैरी नहीं कर सकते ड्यूरिंग ट्रैवल, तो आप एक देख लेना,
ठीक है, इसको भी आपको ऑटोमेटिकली टिक रहेगा और सिंपली यहाँ पे एग्री एंड कंटिन्यू करने पड़ेगा। जैसे एग्री एंड कंटिन्यू करोगे तो आ जाएगा नेक्स्ट, यहाँ पे आ गया वेब चेकिंग सक्सेसफुल, योर बोर्डिंग पास विथ ऑटो असाइंड सीट्स विल सेंड टू वाया 12 to 6 आवर प्रायर टू फ्लाइट डिपार्चर। इसका मतलब हो गया क्या, जो फ्लाइट में जो सीट्स अवेलेबल रहेगा वो आपको ऑटो असाइन करेगा इंडिगो एयरलाइंस खुद, इससे आपको कोई पैसे पेमेंट नहीं करने पड़ेगा। और जो बोर्डिंग पास होगा वो आपके ईमेल में आ जाएगा। कब आएगा, फ्लाई होने से पहले 12 से 6 घंटे के बीच में कभी भी आ सकता है। सो जनरली 6-7-8 घंटे पहले ही आ जाता तो कोई चिंता करने वाली बात है नहीं, तो आपके मोबाइल में भी आ जाएगा और ईमेल में भी आ जाएगा। तो बेसिकली इस ऐसे आप वेब चेकिंग कर सकते हो और कोई आपको पेमेंट करने की जरूरत नहीं फ्री सीट्स के लिए, फ्री सीट्स उन लोग ऑटोमेटिकली असाइन कर देगा, राइट। सो दिस इज बेसिकली कैसे आप इंडिगो में वेब चेकिंग कर सकते हो। वीडियो कैसे लगा आप जरूर कमेंट करके बताना, अगर अच्छा लगा तो लाइक कर देना और फर्स्ट टाइम मेरा चैनल देख रहे हो तो सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक स्टे हैप्पी एंड स्टे हेल्थी, थैंक यू।